हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने सीखा इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट इफ एंड ऑनली इफ कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें दैट इज वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ एम की वैल्यू है वाई और एन हमें गिवन है माइनस एक्स। अब अगर कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकाले तो वो आएगा वन और कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस वन, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, विच मीन्स द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, है ना। ये था हमारा लास्ट वाला वीडियो वाला काम। अब नेक्स्ट, अगर इस इक्वेशन को हम 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एम की वैल्यू आ गई 1 अपॉन वाई और एन की वैल्यू आ गई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। और अब अगर कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालें तो वो आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। सिमिलरली कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, यहां पर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट करेगा और एक्स का डेरिवेटिव वन, मतलब इस बार ये दोनों इक्वल आ गए, विच मीन्स गिवन इक्वेशन को एक फैक्टर वन अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। और ऐसा फैक्टर जिससे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर पूरी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो वी कैन से दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ फैक्टर विच वेन मल्टीप्लाइड बाय अ डिफरेंशियल इक्वेशन द रिजल्टिंग इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगर सेम इक्वेशन नंबर वन को हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स बाय वन बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज मल्टीप्लाई वन बाय एक्स स्क्वायर, वी गेट वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, विच इंप्लाइज वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करने पर एम आ गया वाई अपॉन एक्स स्क्वायर और एन की वैल्यू आ गई माइनस वन अपॉन एक्स। तो जब हम कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट काम करेगा और y का डेरिवेटिव 1। सिमिलरली कर्ल एन अपॉन कर्ल x निकालेंगे तो माइनस बार और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये आपस में प्लस बन जाएगा। अरे भाई साहब, ये तो फिर से इक्वल आ गए, मतलब जब इस इक्वेशन को हमने 1 बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया दोबारा से ये इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे यहां पर 1 अपॉन y स्क्वायर भी एज इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम कर रहा है और 1 अपॉन x स्क्वायर भी, और इनके अलावा भी इस इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। सो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन बी मोर देन वन। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें कैसे। सो बेसिकली यहां पर दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन, मतलब यहां पर कुछ टर्म्स गिवन है जैसे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स और यहाँ पर x के साथ डी एक्स प्लस वाई के साथ डी वाई। अगर किसी इक्वेशन में इन टर्म्स में से कुछ प्रेजेंट है सो कॉरस्पॉन्डिंगली ये उस इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। बाय एग्जांपल समझते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पर डी एक्स वाले टर्म्स इकट्ठे करो, दैट इज y प्लस लॉग एक्स आउटसाइड डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m की वैल्यू आ रही है y प्लस लॉग एक्स और n आ रहा है माइनस एक्स, दैट इज कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू वन एंड कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं आई, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, है ना। अब इक्वेशन एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पर देखो बाय इंस्पेक्शन हमें पता चल रहा है ये टर्म एज इट इज इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, आगे पीछे होना दैट डज नॉट मैटर, विच मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन चारों में से ही कोई ना कोई होगा, है ना। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर को, दैट इज सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक एक्स से एक कैंसिल, तो पीछे बचा एम की वैल्यू, दैट इज वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एन हमारा आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, तो कर्ल एम अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई निकालेंगे वो मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स वो आएगा माइनस ऑफ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई इस बार, विच मीन्स हमारी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। क्लियर? अब जैसे यहां पर हमने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिमिलरली 1 अपॉन वाई स्क्वायर भी तो हो सकता है, एक बार उसे चेक करते हैं कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो नाउ इस इक्वेशन को 1 अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन वाई प्लस लॉग एक्स अपॉन वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एम की वैल्यू आ गई ये वाली और एन आ गया माइनस एक्स,
तो जब कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई निकालेंगे, 1/y का डेरिवेटिव -1/y² प्लस लॉग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट एंड 1/y का -1/y². सिमिलरली कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स आएगा -1, मतलब इस बार ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं आ रही, विच मीन्स जब हमने गिवन इक्वेशन को 1/y² से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं बन रही। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे हमारी गिवन इक्वेशन के इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, इनमें से कोई हो भी सकता है और कोई नहीं भी। क्लियर? सो नाउ इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लेते हैं एक बार। नाउ सोल्यूशन हमारा पुरानी वीडियो जैसा चलेगा, दैट इज एम डी एक्स। तो यहां पर एम की वैल्यू पुट करेंगे टेकिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। अब यहां पर तो विदाउट एक्स कोई टर्म ही नहीं है, तो यहां आ जाएगा 0 dy = c। अब इसको देखो, हम ऐसे लिख सकते हैं, y कांस्टेंट था तो बाहर लिख लिया और पीछे बचा x^-2 dx प्लस इंटीग्रेशन सेपरेट किया, दैट इज log x into x^-2 dx = c। नाउ इसका इंटीग्रेशन आएगा x^-2 + 1/-2 + 1 एंड इसके लिए इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसे मान लो सेकंड फंक्शन, बिकॉज बाय आइलेट रूल लॉगरिथमिक वाले को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, है ना। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा फर्स्ट फंक्शन सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx = c। अब जहां पर ये वाली टर्म है उसे सॉल्व करके आ जाएगा -1/x, यहां भी और यहां भी। सो फाइनली हमारा आंसर सॉल्व करके आ जाएगा -y/x -log x/x और इसे भी इंटीग्रेशन सॉल्व करके -1/x = c। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। नाउ आवर सेकंड क्वेश्चन इज y dx + x (1 - 3x²y²dy = 0। सबसे पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज y dx + x dy - 3x³y²dy = 0। अब फिर से यहां m निकालना, n निकालना, कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालोगे, कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालोगे और चेक करना वो इक्वल नहीं आएंगे, मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आ रही। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। अब इस बार देखो ये वाला फैक्टर एज इट इज इस क्वेश्चन में पड़ा है, तो यहां से आइडिया लगा इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/xy^n। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर ये n क्या चूज करें हम, तो उसके लिए देखो इस वाले पार्ट को छोड़ दो, पीछे देखो कौन सी टर्म पड़ी है, ये वाली टर्म इसे पकड़ लो। अब यहां पर dy प्रेजेंट है, हमने n ऐसा चूज करना है कि इस इक्वेशन में x वाली टर्म खत्म ही हो जाए, मतलब आंसर y और dy में ही बचे बस। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर वहां पर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो मल्टीप्लाई करने पर x वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 1/xy^3। तो यहां पर आ जाएगा ydx + xdy / xy³ -3x³y² / x³ (dy = 0। तो यहां से ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहां से y² से y³ कैंसिल, तो पीछे बचा ydx + xdy / xy³ -3/y (dy = 0। नाउ इसके आगे फर्दर काम हम खुद कर लेना, दैट इज पहले चेक करना इक्वेशन एग्जैक्ट है और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेन इसमें यही थी कि हम n की वैल्यू क्या चूज करें, n की वैल्यू ऐसी चूज करो कि यहां से अगर dy है तो यहां से x खत्म हो जाए। अगर यहां पर बाय चांस dx होता, दैट इज ऐसी टर्म होती 3x³y² (dx), तो इस बार यहां पर dx है इसलिए हम यहां से y को खत्म करेंगे, तो इस बार हम इंटीग्रेटिंग वेक्टर लेते xy^2, क्योंकि y² से y² कैंसिल हो जाता और पीछे टर्म x में बचती। क्लियर? नाउ एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, दैट इज x dx + y dy + 4y³x²y²dy = 0। अब फिर से वही बात, आप चेक करोगे ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस बार देखो x के साथ dx है और y के साथ dy है, मतलब ये वाली टर्म इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, तो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ये वाला। फिर से वही बात, n की वैल्यू हम क्या लें, अब फिर से यहाँ dy प्रेजेंट है तो हमने n ऐसा चूज करना है कि इक्वेशन y और dy में रह जाए, मतलब x खत्म हो जाए यहां से। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि n को हम 1 चूज करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1/x² + y² / 1। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां आ जाएगा x dx + y dy / x² + y² + 4y³ और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचा dy = 0। एंड नाउ dx वाली टर्म अलग कट्ठी कर लो और dy वाली टर्म अलग कट्ठी कर लो, तो यहां से ये m की वैल्यू आएगी और ये n की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालेंगे और कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालेंगे, फिर से चेक करना दोनों सेम आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखो, सोल्यूशन इज m into dx, दैट इज m की वैल्यू यहां रखी, प्लस into dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x।
तो n में ये, इसमें तो x वाली टर्म है तो पीछे बचा सिर्फ यही वाली टर्म, दैट इज 4y³ dy = c। नाउ इसे अगर हम ध्यान से देखें तो इस नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा 2x + 0, क्योंकि यहां पर y एज अ कॉन्स्टेंट काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड भी कर दो। अब देखो नीचे वाली टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़े है, सो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म, दैट इज x² + y², और इसमें से 4 बार और y³ का इंटीग्रेशन y⁴/4, तो लास्ट में ये भी कैंसिल हो जाएंगे और पीछे बचा हमारा फाइनल आंसर। बस यहाँ यही ध्यान रखना था कि y एज अ कॉन्स्टेंट काम करेगा। सो हियर वी हैव 2 क्वेश्चंस और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। एंड अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमें गिवन है इफ y^(α) इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, देन हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले इस सारी इक्वेशन को y^(α) से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई और कर्ल एन अपॉन कर्ल एक्स, जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे देन वहां से वी गेट वैल्यू ऑफ अवर अल्फा। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करना। सो इस वीडियो में हमने बात की कि हम बाय इंस्पेक्शन, मतलब अगर इक्वेशन में इन तीनों में से कोई टर्म प्रेजेंट है तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनमें से कुछ होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब इक्वेशन में इन तीनों में से कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होगी, और उसके लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।